अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप सब जानते हैं हमारा एक प्रोग्राम है। हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है मीरपुर खास से, जो कि अहमद भाई की, ए पॉजिटिव के ये डोनर जो कि कोटरी से आए आमिर भाई। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि ब्लड के मामले में आगे बढ़े और लोगों की मदद करें। आज हम डॉक्टर सफदर के क्लिनिक पर पहुंचे हैं। यहाँ पर ब्लड की अशद जरूरत है, जो कि सुबह एक सर्जरी है। तो अगर नौजवान आगे बढ़कर ब्लड दें और एक दूसरे की मदद करें वॉलेंट्री, तो इंशाल्लाह कोई भी ब्लड के लिए परेशान नहीं होगा। इसी तरीके से है कि देखें, ब्लड दें, ब्लड देने से मत डरें। नौजवानों का काम है कि वो आगे आए और लोगों की मदद करें। कि मैं यही कहूंगा कि ब्लड दो, जिंदगी बचाओ, लोगों के काम आते रहो। आमिर भाई के तमाम टेस्ट हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे की वीडियो आपको शेयर करते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर के तमाम टेस्ट क्लियर होने के बाद ये सेफली ब्लड डोनेट कर रहा है। मैं अपने दोस्तों को, नौजवानों को, सबको ये समझाता हूँ कि ब्लड देना चाहिए, क्योंकि ब्लड देना हमारा दीनी और कौमी फर्ज है। कि ब्लड देकर अगर हम किसी मरीज की जिंदगी को सेव कर सकते हैं, तो ये समझ लें इससे बढ़कर नेकी कोई नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो ब्लड देने से डरते हैं। क्योंकि ये आमिर भाई अभी जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इनके जो पेशेंट है वो मीरपुर खास से अभी पहुंचेंगे, लेकिन हम उससे पहले, हमारे ग्रुप में ये रिक्वेस्ट आई हुई थी, हम आकर यहाँ वॉलेंट्री ब्लड दे रहे हैं डॉक्टर सफदर के क्लिनिक पर। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि इस किस्म के जो भी प्रोग्राम हो उसको जरूर जो है सपोर्ट करें, उसके अंदर अपना तावुन करें और आकर वॉलेंट्री ब्लड दें। कि वो ब्लड देकर हम मरीज की जिंदगी को सेव कर रहे हैं। आमिर भाई सेफली यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये हमारी तंजीम ब्लड दो जिंदगी बचाओ इस पूरी कोशिश में लगी हुई है। तकरीबन इस वक्त 1 बज रहा है और हम यहाँ लतीफाबाद मौजूद है, और जो हमारी ये रिक्वेस्ट है अहमद भाई, जो कि मीरपुर खास से, ये रिक्वेस्ट हमारे इस ग्रुप में आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सेफली यहाँ पर ब्लड भी डोनेट हो रहा है और जिनको ब्लड चाहिए इंशाल्लाह वो कल जरूर मिल जाएगा। इस ब्लड के बाद तौकीर भाई भी ब्लड डोनेट करेंगे और ये पहली दफा ब्लड दे रहे हैं। लाजमी बात है, इसी तरीके से अगर लोग आए और आकर ब्लड देते रहे, मैं ये समझता हूँ जिसको ब्लड की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी और वो सारी जिंदगी दुआएं भी देगा। और यही हमारा फर्ज है जो हमें जरूर अदा करना चाहिए कि ब्लड दो जिंदगी बचाओ की तंजीम कोशिश कर रही है। जहां पर भी ब्लड की जरूरत हो वहां जाकर ब्लड का त्याग कराएं और लोगों की मदद करें। तौकीर भाई से भी पूछते हैं कि ब्लड दे रहे हैं पहली दफा, तो ये क्या महसूस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला कि इससे कोई खौफ या कोई डर कोई ऐसी बात तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ब्लड अभी आप इसके बाद देंगे? जी हाँ। तो कोई डर है? नहीं नहीं, कोई ऐसा ब्लड देना फायदा ही है। देखिए, सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा, आपके टेस्ट भी हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और ये आपका दीनी और कौमी फर्ज है जी, और हम किसी मरीज की जिंदगी को भी बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और ये अपनी जान का सदका तौकीर भाई भी देंगे। और आमिर तो इससे पहले भी हमारा रेगुलर डोनर है जो दे चुका है और माशाल्लाह दोबारा भी दे रहा है। तो आमिर से भी बात करते हैं। आमिर भाई कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। खुशी महसूस हो रही है? जी जी बिल्कुल। तो ये ना कि कहाँ से आए अभी आप? हम तो अभी सर्दी में आए कोटरी से। कोई बात नहीं, ये तो देखे ना, ये अल्लाह ताला इसकी नेकी का बदला जरूर देगा ना? देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, तो ये देखे माशाल्लाह डोनर भी खुश है और जिसको ब्लड मिलेगा मैं ये समझता हूँ वो हमें दुआएं भी जरूर देगा। कि इसी तरीके से कि लोग एक दूसरे की मदद करें और यहाँ पर वॉलेंट्री ब्लड दें। कि ब्लड दो जिंदगी बचाओ, लोगों के काम आते रहो। राशिद राजपूत, हैदराबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।